शहर स्वच्छ सुंदर शहर के उद्देश्य को लेकर वार्डों से निकलने वाले कचरों के निपटान के लिए 8 नई गाड़ियों को शहर के वार्डों के लिए शहर विधायक और महापौर ने पूजा अर्चना कर रवाना किया। स्वच्छ भारत योजना के अंतर्गत स्वच्छ शहर सुंदर शहर के उद्देश्य को लेकर दुर्ग नगर निगम के वार्डों में डोर कचरा कलेक्शन करने वाले वाहनों की कमी के चलते थोड़ी अव्यवस्था हो रही थी, जिसकी कमी को पूरा करते हुए बुधवार को शहर विधायक अरुण बोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल, स्वास्थ्य प्रभारी हमीद खोकर सहित अन्य पार्षदों की उपस्थिति में डोर कचरा कलेक्शन के लिए रवाना किया गया, जिसमें गीला कचरा व सूखा कचरा रखने 8 नई गाड़ियों को विधायक अनवोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल द्वारा पूजा अर्चना कराकर शहर के वार्डों के लिए रवाना किया गया। इस संबंध में न्यूज टीम के समक्ष दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल व नगर निगम स्वास्थ्य विभाग प्रभारी हमीद खोखर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। लगभग 8 गाड़ी, इसकी लागत लगभग 60 लाख की है। आज हमारे शहर के लोकप्रिय विधायक अरुण बोरा जी ने इसे आज हरी झंडी दिखा के वार्डों में भेजा गया है। जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, हमारे प्रदेश के जैसे मुख्यमंत्री भी, जैसा कि हम सबको विदित है कि लगातार 3 साल से हमारा प्रदेश स्वच्छता रैंकिंग में नंबर वन आ रहा है और उसी में हमारा दुर्ग शहर भी आज जो 70 रैंक से ऊपर चल रहा था 7वें रैंक में। तो स्वच्छता को लेकर हमारी प्रदेश सरकार बहुत जागरूक है, हमारी शहर सरकार बहुत जागरूक है। उसी को लेकर 8 गाड़ी हमने अलग अलग वार्डों से कचरा उठाने के लिए आज चालू किए, लगभग 60 लाख के इसमें खरीदे, ताकि प्रॉपर हर वार्ड से समय पे कचरा उठ जाए, इसका उद्देश्य यही है। हमने 8 टाटा एस खरीदी की है। जैसा कि आपको हमको पता है कि हमारे प्रदेश में अभी 3 बार लगातार स्वच्छता में फर्स्ट आया है। इसी तर्ज पर हमारे दुर्ग नगर निगम जो है बहुत कमर कसी है, बहुत डोर में जो गाड़ियों की कमी हमें महसूस हो रही थी, 14 में भी 8 गाड़ियाँ टाटा से खरीदी की गई है, जिसका विधिवत अभी पूजा अर्चना की गई है विधायक महोदय जी के द्वारा, हमारे महापौर जी के द्वारा। और अब ये 8 वार्डों में जो एक दिन के आड़ में गाड़ी जाती थी, अब प्रतिदिन गाड़ी जाएगी, 8 वार्ड और बढ़ जाएंगे। इसी तरह अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग अभी 17 से 20 गाड़ी हम लोग ट्रैक्टर ट्राली और टाटा एस खरीदी करने वाले हैं, जिससे पूरे 60 वार्ड में एक एक गाड़ी हम देंगे और अंतिम छोर तक कचरा जो है हम उठाने का काम करेंगे, जिससे हमारा दुर्ग शहर स्वस्थ रहे, साफ सुथरा रहे और बेहतर रहे, इसकी परिक्रमा हम सब मिलकर कर रहे हैं। और हमें यकीन है कि हमारा दुर्ग शहर बहुत साफ सुथरा दुर्ग शहर रहेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।